अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक हैं और खुश हैं। तो कैसा जा रहा है आपका रमज़ान? हमारा रमज़ान तो बहुत अच्छा गुजर रहा है, मौसम भी अच्छा है और अल्लाह ताला ने मुझे आराम भी दे दिया। मेरे पाँव में थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया। तो जी, यहाँ पर मैंने ले लिया था चिकन और उसके मैंने साफ़ करके, तो इस तरह मैं बना के रख देती हूँ ज़्यादा से पैकेट। विंग्स अलहदा कर देती हूँ, बोनलेस अलहदा कर देती हूँ। और चार पैकेट मैंने बनाए थे वेजिस के लिए, एक बिरयानी के लिए बना लिया था और एक मैंने वैसे चिकन कढ़ाई बनाने के लिए कर लिया था। और इस तरह के इनके पतले पतले से ना पैक बना के फिर मैं फ्रीज़र में रखा था, क्योंकि मेरे जो फ्रिज है ना मेरे पास, वो बहुत छोटी है और हम उसको चेंज भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे पुर्तगाल में होता है जब आप घर लेते हैं ना, तो होता है कि आप जो चीज़ें घर में हैं जब आप घर छोड़ेंगे तो वो आपको यहाँ पे वापस भी दे के जानी है। तो अगर हम न्यू ले लें तो घर में रखने की जगह कोई नहीं है, तो फिर इसलिए जो पुरानी है चीज़ें उन्हीं से हम काम चला रहे हैं। और कुछ भी हमने यहाँ पे न्यू नहीं लिया, सिर्फ वॉशिंग मशीन थी वो ख़राब थी जब हम यहाँ आए थे, तो बस वो मैंने न्यू ली थी। और मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आप हमें ये बताएं कि पुर्तगाल में ना मंथली कितना खर्चा हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा खर्चा तो बड़ा जो होता है मेरे ख्याल से, वो तो घर का रेंट ही होता है बस। बाकी जो खाना पीना है वो तो इंसान पे वो डिपेंड करता है, जितना वो ज़्यादा खर्च कर ले या कम कर ले। तो घर का रेंट मैं पहले भी आपसे शेयर कर चुकी हूँ कि लिस्बन में बहुत ज़्यादा है, 1100-1200 यूरो में आपको घर मिलता है। और जो साइड वाले जो इलाके हैं वहाँ पे आपको थोड़ा कम रेंट मिल जाता है। तो फिर भी अगर आप 700 में भी आपको घर मिलता है, तो बिजली और पानी और गैस ये सब का करके तो फिर 1000 यूरो तो इसमें ही चला जाता है। तो 500 आप लगा लें ग्रोसरी वगैरह का और बाकी चीज़ें भी, और भी बहुत सारी, बच्चे हों तो बहुत सारे खर्चे निकल आते हैं। तो आज हम जा रहे हैं कोलंबो जैद के शूज़ लेने। इसको पाँव में पता नहीं क्यों दर्द हो रही थी, 3-4 दफ़ा इसके शूज़ हमने चेंज कर लिए, लेकिन उसको फिर से पाँव में दर्द स्टार्ट हो जाती है। तो अब आसिम कह रहे थे कि इसको ना फिर से नए शूज़ ले देते हैं, आप ज़रा देखभाल के लेंगे। तो हम आए हैं आसिम के साथ आज, तो बच्चे बहुत खुश होते हैं पापा के साथ आके। तो मुझे बस ना यहीं कोलंबो पे आके ज़रा शॉपिंग करना जो है ना इजी लगता है। मैं जैद के एक और भी ब्रांड बताई थी आसिम ने, तो वहाँ मैं अकेली चली गई जैद के साथ जब यशवा ग्रीस गई हुई थी, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। तो मुझे ना वहाँ पे जाके तो वो जगह ही नहीं मिली जहाँ से जैद के शूज़ लेने, बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल था। तो मैं ज़्यादातर यहीं पर आती हूँ क्योंकि यहाँ पर हर ब्रांड की चीज़ मिल जाती है, चाहे आपने सस्ती लेनी है चाहे महंगी लेनी है, तो हर तरह की मिल जाती है। तो आज हमने जी स्पोर्ट जोन पे देखा है, जहाँ से आसिम कहते थे शूज़ लेने हैं, तो वहाँ से मिले कोई नहीं। तो फिर ये आसिम दिखा रहे थे यहाँ पे सिनेमा भी है, तो मैंने कहा मुझे तो ऐसा कोई शौक़ नहीं है देखने का मूवीज़ वगैरह, तो फिर बाहर से ही हमने थोड़ा बहुत देखा। इतनी दफ़ा आई हूँ लेकिन मैंने अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने नहीं देखी हुई। तो आसिम के साथ जब भी आते हैं ना तो एक कोई न्यू चीज़ हमें मिली जाती है। तो स्पोर्ट जोन से शूज़ नहीं मिले थे जैद के, अब हम जा रहे थे लेफ्टीज़ पे, तो वहाँ पे भी ना बड़े मुनासिब मिल जाते हैं। और ज़्यादा मसला ये हो रहा था हमारे साथ कि जैद को लेसिस वाले शूज़ नहीं लेने थे, क्योंकि उसको खुद बंद नहीं करने आते अभी, और फिर वो ना स्कूल में खुल जाते हैं तो फिर वो कहता मैं गिर जाऊँगा, और उससे जब नॉर्मली वो दौड़ा होता है ना तो उसे ब्रेक नहीं लगती, नॉर्मली वैसे भी गिरता रहता है, तो अगर लेसिस खुल गए तो फिर तो और मुसीबत हो जाती है। तो इसलिए हम उसके लिए ढूंढ रहे थे लेसिस के बग़ैर वाले, वो जो चिप वाले शूज़ होते हैं वो। तो यहाँ पे आसिम को वो पैंट पसंद आ गई, तो फिर आसिम ने अपनी दो पैंट ली। तो यशवा के लिए मुझे एक ट्राउज़र पसंद आ गया, क्योंकि उसका बैडमिंटन का ना टूर्नामेंट है, वो फाइनल में पहुँच गई है माशाल्लाह। तो इसलिए मैंने फिर सोचा, उस दिन जाना होता है ना जब ऐसे किसी जगह पे, तो फिर कहते हैं मामा मुझे न्यू कपड़े दे दें, तो गर्ल्स का यही मसला होता है, जब भी कहीं जाना है तो हर दफ़ा न्यू कपड़े होने चाहिए। तो फिर इसका एक ट्राउज़र ले लिया था, शर्ट्स वगैरह आया थी काफ़ी इसके पास। तो फिर यहाँ प्लेग्राउंड भी था, तो वहाँ बच्चों को थोड़ी देर झूले लेने थे, वो लिए। तो फिर हम यहाँ पे संता प्लोनिया आ गए थे, आसिम और जाया तो वॉक करके चले गए। तो मेरा पाँव अभी बिल्कुल ठीक नहीं हुआ,
थोड़ा बहुत ठीक हुआ है। तो हमने कहा हम बस पे आ जाएंगे तो आप दोनों चले जाएं। तो फिर जी ये घर आ गए थे हम, ये नेक्स्ट मॉर्निंग है। तो ये लेके आए थे आसिम पैंट अपनी, और ये यशवा का ट्राउज़र लिया था। ये इसमें सही कलर नहीं आ रहा, ये थोड़ा सा ना ब्लू टाइप का कलर था, इसमें ग्रे नज़र आ रहा है। ये पहले कभी नहीं लिया था तो मैंने सोचा इस दफ़ा ये ले देती हूँ इसको। तो बस जी फिर हमने इतनी सी शॉपिंग की थी, क्योंकि जब शाम हो जाती है ना तो मुझे घर से बाहर बहुत बुरा लगता है। तो खैर अभी मॉर्निंग है तो इसलिए पाँव की स्वेलिंग थोड़ी कम ही थी। जो जो दिन गुजरेगा ना तो ज़्यादा मैं चलती हूँ तो फिर वो पाँव की जो स्वेलिंग है ना वो ज़्यादा होने लग जाती है। तो अब मैं ये ट्यूब लगा रही थी, इससे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। जैतून और नमक डाल के जो मैं लगा रही हूँ ना, उससे मुझे लगता है ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। तो इस तरह जब धूप अंदर आ रही होती है ना रूम में, थोड़ी सी ठंडी ठंडी हवा भी आजकल चल रही है, तो बड़ा सुकून सा मिलता है। तो फिर ये मैंने इफ्तारी के लिए बनाए थे आज दही भल्ले। ये मैंने जो आपके साथ वो शेयर किए थे ना माश की दाल के, मैंने बनाए थे वही वाले हैं। तो इनको मैंने पानी में भिगो के, तो इनको मैंने निचोड़ के, फिर इसमें थोड़े से चने डाले थे, थोड़े से आलू डाले थे, थोड़े से प्याज डाले थे, और दही में मैंने चीनी मिक्स करके अच्छी तरह से तो वो इसके अंदर डाली थी। और फिर इसके ऊपर मैंने पुदीने की और धनिए और हरी मिर्च की जो चटनी होती है ना वो डाली, और फिर जो मैंने इमली की चटनी बना के रखी थी थोड़ी सी ऊपर वो डाली, और थोड़ी सी बंद गोभी डाली। तो ये इतने मज़े के बने थे, यशवा ज़ायद ने पहले नहीं कभी खाए थे, लेकिन अब जो जो बड़े हो रहे हैं ना बच्चे, तो उनकी फिर पसंद भी चेंज हो जाती है। तो खैर आज दोनों ने खा लिए थे इफ्तारी में। तो आज खाना आसिम कह रहे थे बाहर से मंगवा लेते हैं, तो लेट भी हो गए थे आज। तो फिर इनके लिए चिकन टिक्का मंगवाया था और साथ में चिकन का सालन भी मंगवाया था। तो ये बाहर की चीज़ें मुझे इतनी खास पसंद नहीं आती, और वैसे भी पता नहीं क्या अजीब सा मीठा सा सालन था, मुझे खैर वैसे भी पसंद नहीं आती। तो इफ्तारी में आज हम लेट हो गए थे, तो मेरे पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गई थी। तो फिर बाहर से ही हमने खाना मंगवा लिया था। तो फिर मैं साथ साथ रोटियां बना रही थी, और मैंने आज रोज़ा भी बाहर ही खड़े होकर इफ्तार किया था, साथ साथ रोटियां बना रही थी और फिर इनको अंदर साथ साथ भेज रही थी मैं। तो जी बस यही थी आज की वीडियो। आपको अगर अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके, और वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें। बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं हम, और रमज़ान में तो स्पेशली बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखें, हमें भी दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।